मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? ओपन योर ईवीएस नोटबुक. सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे. इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है माई बॉडी. माई बॉडी का चैप्टर मैंने आपको करा दिया था. इसमें आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर है आपका इसमें टू माई बॉडी हेल्प मी. अवर ओ यू आर अवर बॉडी डी ओ डी वाई बॉडी हैज. आज मैं आपको इसकी रीडिंग करा रही हूँ. अवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स. एम A N Y many P A R T S parts. Our body has many parts. Next है आपका इसमें E A C H each part. Each part of our body is useful. Each part of our body is useful. Next we can D I double F E R E N T different parts of our body help us. A and
देखेंगे सभी बच्चे एक बार। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, ये मैं आपको सिर्फ चैप्टर की रीडिंग करा रही हूँ। सभी बच्चे इसको समझेंगे, इसलिए मैंने आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, इसको आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप इसको नोटबुक में नहीं करेंगे, ये सिर्फ चैप्टर की रीडिंग है। ओके क्लास। ओ यू आर आर बी ओ डी वाई बॉडी एच ए एस हैज एम ए एन वाई मैनी पी ए आर टी एस पार्ट्स आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी होती है इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, हैंड्स, लेग्स, माउथ, स्किन, टीथ, लिप्स। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके क्लास। ई ए सी एच ईच पी ए आर टी एच पार्ट ओ एफ ओ ओ यू आर आर बी ओ डी वाई बॉडी आई एस इज यू एस ई यूज एफ यू एल फुल ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग रूप में हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि आईज से हम क्या करते हैं, सी करते हैं यानी कि हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, हैंड से हम लिखते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, लेग से हम चलते हैं मतलब वॉक करते हैं, किक करते हैं, पुश करते हैं, रन करते हैं, डांस करते हैं, तो ये सब हम किससे करते हैं, लेग से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी आई डबल एस ई आर ए डी डिफरेंट पी ए आर टी एस पार्ट्स ओ एफ ओ ओ यू आर आर पी ओ डी वाई बॉडी एच ई एल पी हेल्थ यू एस एस टी ओ टू डी ओ टू डी आई डबल एफ ई आर ए डी डिफरेंट डब्ल्यू ओ आर टी एस वर्क्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट वर्क। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग रूप में हमारे लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैंड से हम क्या करते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, है ना, टंग से हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट रूप से हमारी हेल्प करते हैं काम करने में। लेट अस नाउ एल ई टी एट यू एस एस के एन ओ डब्ल्यू नाउ एच ओ डब्ल्यू भाव टी ओ टू टी एच डा डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट पी आर टी एस पार्ट्स ओ एफ ओ टी एच डा बी ओ डी वाई बॉडी एच ई एल पी हेल्प यू एस एस। लेट अस नाउ हाउ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प अस। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस रूप में हमारी हेल्प करता है उसके बारे में अभी हमें जानना है, ठीक है। इसमें आपका आता है, सबसे पहले आपका इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे हेड एच ई ए ई हेड। तो हेड का क्या वर्क होता है, माई हेड एच ई ए डी हेड बी ई आर एस बीयर्स My head bears brain B R A I N brain mouth M O U T H mouth and sense organs O R G N S organs My head, ears, brain, mouth and sense organs। हमारे हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है जिससे हम सारा वर्क जो है अपना करते हैं, सोचते हैं किसी चीज़ को कैसे करना है, अब क्या करना है, तो वो हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है, तो वो हमारे हेड से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, ये सब किससे होते हैं, हमारे हेड से अटैच होते हैं, ठीक है। हमारे हेयर्स हैं, हमारा माउथ है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, किससे अटैच है, हमारे हेड से। तो हेड का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है आपका आईज, ई वाई ई एस आईज। माय आईज हेल्प मी टू सी, मेरी जो आंखें हैं, एम वाई माई ई वाई ई एस आईज एच ई एल पी हेल्प M E me T O two C मेरी आंखें जो है वो मुझे दुनिया को दिखाती हैं, दुनिया को देख सकती हूँ मैं इससे, है ना। My eyes help me to see, मैं अपनी आंखों से क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ किसी चीज़ को, सी कर सकती हूँ, है ना।
आइज की क्या है इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, आइज से हम क्या करते हैं देखते हैं हम किसी चीज को आइज से। ओके क्लास, नेक्स्ट देखें आप इसमें नोज, एन ओ एस ई नोज, इसमें लिखिए, इसमें आप देखें एम वाई आई एन ओ एस ई नोज, हेल्प्स एच ई एल पी एस हेल्प्स, एम ई मी टी ओ टू स्मेल, एस एम ई डबल एल स्मेल, ए एन डी एंड, बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ, बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ। देखिए लुक एट द ब्लैकबोर्ड, एम वाई माई एन ओ एस ई नोज, एच ई एल पी एस हेल्प्स, एम ई मी टी ओ टू एस एम ई डबल एस स्मेल, ए एन डी एंड, बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ। माई नोज हेल्पर्स, माय नोज हेल्प्स मी टू स्मेल एंड ब्रीथ। जो मेरा हमारा नाक होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सांस लेते हैं नाक से, तो नाक के बिना हम तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए नाक से ही हम सांस लेते हैं जिसके कारण हम जीवित हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे, अगर हमें सांस नहीं आएगी तो हम लोग मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारे नोज जो है वो कैसे हमारी हेल्प करता है किसी चीज को स्मेल करने में और ब्रीथ लेने में, सांस लेने में। इट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें आपका माउथ, एम ओ यू टी एच माउथ, ये आपके सभी सेंस ऑर्गन्स हैं। माई माउथ, माई माउथ हेल्प्स मी, हेल्प्स मी टू ईट, टू ईट एंड टॉक। देखिए एम वाई माई एम ओ यू टी एच माउथ, एच ई एल पी एस हेल्प्स, एम ई मी डी यू टू ई ए टी ई ए एन डी एंड टी ए एल के टॉक। माई माउथ हेल्प मी टू ईट एंड टॉक, हमारा जो माउथ है वो हेल्प करता है हमें किसी चीज को खाने के लिए, खाते हैं मुंह के द्वारा हम, और क्या करते हैं टॉक करते हैं, बात करते हैं, किससे करते हैं मुंह से करते हैं, तो इसलिए माउथ ऐसे हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे ईयर्स, ईयर्स इसमें लिखे एम वाई माई ईयर्स हेल्प मी my neck, H E
CIPS helps, MEV, TO2, MOVE, move, MYY, HEOV, head. जो हमारी नेक होती है वो हमारे हेड से अटैच होती है और उसके द्वारा हम अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे अपने सिर को इधर उधर हम मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी गर्दन नहीं होगी तो हम एक ही जगह पर ऐसे ही सीधे रहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्या होता है, हम अपनी गर्दन से इधर उधर अपने हेड को ऐसे करके हम घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इसमें आपका हैंड्स एंड फिंगर्स, ये मैं आपको कल कराऊंगी, ओके क्लास। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है चैप्टर, एक बार मैं और इसकी रीडिंग करा रही हूँ आपको, एक बार मेरे साथ सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप सभी सामने देखेंगे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इसके मैं आपको कुछ जंबल वर्ड्स भी करा रही हूँ, वो आप यहाँ पर करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे इसको आप। दे रहा है आपको बेटा, केवल ये वाला वर्क आपको नोटबुक में करना है, बाकी आपका चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाफ हाफ में आपको कल करूंगी, ओके क्लास।